सो कल यहाँ रुके थे हम सिमरोही बिहार में, भगत वाटिका, बिल्कुल हाईवे पे है, ये रहा सामने। और अभी हम हैं कोसी ब्रिज से 19-20 किलोमीटर पहले, अभी 4 किलोमीटर दूर है घर। होपफुली बिफोर डार्क वी विल रीच होम, और वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो अभी हम ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर आ गए, और हमें एक ब्रेक चाहिए था। एक्चुअली अमित का कुछ काम है, लोगों को थोड़े बिहार के दर्शन कराते हैं ना, कैसा है होता है बिहार, कैसा है ये देखो आप, ये खेत वगैरह है किसी का। तो इधर सामने हाईवे है, वहाँ अपनी बाइक खड़ी है सामने। खेती पे बहुत डिपेंड करता है बिहार। और इधर भी देखो, इधर भी कुछ तो लगा हुआ है यार, मुझे खुद पहचानने नहीं आता है। इधर भूसा वगैरह रखा हुआ है गाय के लिए। देखो छोटी सी नहर भी है, इसका भी यूज़ ये लोग करते रहेंगे। बात करूँ हमारी ट्रिप की, तो हमने अपनी ट्रिप शुरू की थी गोरखपुर से, और हम एंड पॉइंट गए थे मैचुका तक। मैचुका के बाद, मैचुका मतलब टाउन है आपका अरुणाचल में, एंड देन वी वेंट टू लमांग विच इज़ लास्ट इंडियन चेक पोस्ट, उसके बाद चाइना बॉर्डर लगता है जो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मैकमोहन लाइन वहीं पे है। और फिर उसके बाद फिर वहाँ से हम गए थे वापस, फिर भूटान बॉर्डर भी गए थे, भूटान के अंदर भी गए थे। देन वी वेंट टू मिरिक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल। सो टोटल हम लोग अगर कहने को बोला जाए तो दो कंट्री गए, इंडिया और भूटान। स्टेट हम गए यूपी से शुरू किया, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन असम, देन अरुणाचल, दीज आर द स्टेट्स वी कवर्ड। और रियली बहुत फन ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो खटके, जो बुरा लगे, जितने लोग मिले, दोज आर रियली ब्यूटीफुल पीपल, वी गॉट रियली गुड हॉस्पिटैलिटी। एक ही चीज़ बस यार थोड़ा गड़बड़ लगा ना, कि जब हम नॉर्थ ईस्ट में थे, बेसिकली अरुणाचल में थे, जीरो में और मैचुका में, तो वहाँ के जो होम स्टे ओनर्स हैं उनके साथ हम बहुत बात कर रहे थे, बहुत सही लोग होते हैं वो लोग, तो उनके साथ बात आता रहा, तो वो लोग बोल रहे थे कि यार तुम हमारे वहाँ आते हो तो कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हैं तुम्हें। और दैट इज़ ट्रू, दे मेक यू फील वेरी कम्फर्टेबल। आपको लगेगा नहीं कि दे आर स्ट्रेंजर्स, आप उनकी फैमिली के साथ बैठो, उनके साथ बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। द ओनली क्वेश्चन दे आस्क टू मी दैट कि जब हम आपकी साइड आते हैं तो आप हमें नेपाली, चाइनीज़ वगैरह वगैरह बोलते हो, दैट इज़ ट्रू, बट हर कोई ऐसा नहीं होता। बट आई कैन नॉट आंसर ना, कि लोग बोलते हैं यार, और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, एक दो की बात नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं। तो आई विल जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, व्होएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट डू दिस गाइज। हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए मज़ा आ जाता हो करके, अपने दोस्त के सामने थोड़ी भौकाल बन जाता हो, बट डोंट डू दिस गाइज। आप वहाँ जाओगे ना, उनसे मिलोगे, बात करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि दे आर रियली गुड पीपल, और दे नो मोर अबाउट बॉर्डर्स एंड ऑल रादर देन अस। दे आर लिविंग दैट एरिया सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर दैट। सो एक बार उनसे मिलो, बात करो, यू गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स। तो जाते वक्त भी रोड पे बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था भाई साहब, ये तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ यार। भाई साहब टायर बार बाहर आ गया यार, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आई यूज दिस एपजी टू गो ऑल अक्रॉस अरुणाचल, इट्स अराउंड 4000 प्लस किलोमीटर राइड। और अगर बात करें तो इसके अलावा मैंने इससे ऑलरेडी मस्तान, उत्तराखंड कई बार, मतलब बहुत सारे राइड कर लिया, ऑफ रोड गिन लो, ऑन रोड गिन लो, बैड पैचेस, गांव के रोड, पहाड़ के रोड, समुद्र के पास, जो भी हो सकता है ना, ब्लैक आइस, नॉर्मल आइस, सब पे राइड हो चुकी है इस बाइक से। तो इज़ इट वर्थ to have a FC, or is it worth to have a bike to trip across India or long trip, let me tell you. So it's just 150cc bike, जो इसका एडवांटेज है ले जाने में वो ये है कि इट्स क्वाइट लाइट वेट, और बहुत मज़ा आता है राइड करने में, बिलीव मी बहुत मज़ा आता है। ऑफ रोड पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टायर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, थोड़ा स्लिप करता है वगैरह वगैरह, ये सब होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़
सो गुड बाइक। मैं हाईवे पे से 90 क्रूज़ करता रहता हूँ ऑल डे लॉन्ग। थोड़ा हीट अप होता है बट गर्मी में, समर में प्रॉब्लम होता है बट विंटर में इट्स रियली गुड। तो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इस बाइक के साथ वो ये है कि स्लिप ज़्यादा होता है टायर की वजह से। आई कैन चेंज टायर ऑफ द बाइक बट वॉट आई प्रीफर कि मेरी बाइक एज इट इज़ हो। मैं इसके साथ जो भी करूँ वो एज इट इज़ स्टॉक हो बाइक पूरी, आई प्रीफर दैट। और जो एक और प्रॉब्लम है वो कि आप 100 प्लस कंटिन्यू नहीं कर सकते ऑल डे लॉन्ग। ऑब्वियसली 150 सीसी बाइक उतना पावर नहीं है, 12.5 bhp अराउंड पावर है ओनली, और उतना ही टॉर्क है मेरे ख्याल से 12 समथिंग अराउंड है। बट इफ़ यू हैव वन बाइक, स्मॉल बाइक, 150 सीसी बाइक, 200 सीसी बाइक, वॉट एवर बाइक, बिलीव मी यू कैन डू इट। अगर आप रियली, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ कि आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो एक बाइक के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट सब राइड किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि छोटी बाइक के साथ कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे कुछ भी, यू कैन कमेंट इट आउट, आई विल रिप्लाई। इट परफेक्टली सूट्स मी। आई लाइक टू राइड लाइट मशीन, इट इज़ लाइट वेट। और नाउ विद टाइम आई ऑल्सो लर्न टू हाउ टू हैंडल दिस बाइक ऑन ऑफ रोड, स्लिपरी रोड, मड, एवरीवेयर। तो मेरे लिए तो अब ये नॉर्मल बहुत अच्छी बाइक है यार, मुझे बहुत मज़ा आता है इसे करने में। और भले ही आपके पास कोई भी बाइक हो, 150, 250, 300, 400, 600, 650, वॉट एवर, यू विल लव योर बाइक ओनली, कैसी भी दिखती हो, कैसा भी हो। तो इफ़ यू हैव वन बाइक ओनली, इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल बट यू आर हेजिटेटिंग कि नहीं यार इससे नहीं हो पाएगा, ये तो छोटी बाइक है, जस्ट ट्राई वन शॉर्ट ट्रिप, देन यू विल गेट टू नो अबाउट पोटेंशियल ऑफ योर बाइक, अबाउट पोटेंशियल ऑफ योर सेल्फ, जस्ट ट्राई। तो अभी हम मुजफ्फरपुर वाले रोड से गोरखपुर की ओर जा रहे थे और हमें रास्ते में क्या दिखा देखो आप। तो यहाँ पे जो है ट्रक पे जो है प्लेन लोडेड है, और फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग लाइक दिस। हाँ, प्लेन तो रनवे पे बहुत देखा है, एयरपोर्ट पे देखा है, हवा में देखा है, बट ट्रक पे लोडेड, वहाँ पूरी भीड़ लगी हुई है, सब लोग फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो साथ में खींच ले रहे हैं। If you see, the airplane number is Airbus A320. So, अभी हम रुके हैं गोपालगंज से 40 किलोमीटर पहले, और बिल्कुल यार यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब कंपेयर टू अप टू जहाँ हम कल रुके थे सिमरोही, 40 किलोमीटर पहले गोरखपुर से, वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं थी यार। मतलब ईटानगर में भी ठंड नहीं थी, जीरो तक ठंड थी, उसके बाद सिलीगुड़ी वगैरह कहीं ठंड नहीं थी, यहाँ अलग ही लेवल का ठंड है, बिल्कुल जमा दे रहा है। और पीछे देख लो आप, पीछे फॉग पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ऑलरेडी फॉग है रोड पे, और मुझको लग रहा है एक घंटे में फॉग हो जाएगा, तो अपन को जल्दी जल्दी कवर करना है। बट हम लोग को अभी रुके हैं थोड़ा काम के लिए, फिर बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर रह गया मेरे ख्याल से 150-160 किलोमीटर रह गया है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। जल्दी जर्नी ख़त्म करते हैं, हमें भी जल्दी हो रही है कि हाँ यार अब जल्दी से घर पहुँचे, अब वेट नहीं हो रहा। अगर आप पूरे दिन का ट्रिप किया, उस पूरे शहर का फॉग इकट्ठा गोरखपुर भी डाल रहा है, और अब सब अच्छा लग रहा है। एवरी पेन इज गॉन नाउ।